बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बज्जू एंड जिया किचन में बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बट। बट के लिए जो जो अज्जा हमें चाहिए वो हैं बट 1.5 किलो, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गोश्त के लिहाज से लिया मसाला मैंने, सरसों का तेल है 1 प्याली, भुनाई के वक्त देखूंगी कम पड़ेगा तो थोड़ा सा मैं और डालूंगी, दही है 1 सालन का बड़ा चमचा, ये फ्रीज था मेरे पास, मैंने वो यूज़ किया है, जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी डालते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक पतीली में मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए, उसमें मैं डालूंगी ये सारी बट। बट को बनाना तो बहुत ही आसान है, इसमें जो मेहनत दरकार होगी आप लोगों को वो इसकी धुलाई में होगी, कि इसको धोते बहुत अच्छे तरीके से हैं फिर इसको उबाला जाता है इस तरीके से। इसको मैं उबालूंगी 3 दफ़ा, इसको पूरा बॉईल करके इसका पानी मैं ड्रेन कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए रखूंगी। तो 3 दफ़ा ये अच्छी तरीके से उबल के और फिर इसका पानी मैं फेंकूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको चढ़ाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन, बट अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसका पानी ड्रेन करके इसको मज़ीद 2 दफ़ा बॉईल करूंगी, फिर मैं इसको पकने के लिए रखूंगी। ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको ड्रेन करके दिखाती हूँ इसका पानी, आराम से बहुत एहतियात से। क्योंकि जिसकी भाप आ रही है उससे आपका मुंह भी और हाथ भी जल सकते हैं, तो धीरे धीरे करके डालिए आप लोग। ये देखिए, अब मैं पतीली में दोबारा से पानी डाल के और इसको फिर बॉईल करके इसी तरीके से ड्रेन करूंगी 3 दफ़ा, उसके बाद फिर मैं आपको इसको जब चढ़ाऊंगी तो फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से बट की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। जी नाज़रीन, बट का पानी मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके फेंक दिया है। अब मैंने पतीली को वॉश करके और फिर इसके अंदर बट डाली है साफ़ पानी लेकर। अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल, सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, और पानी आप लोग देख रहे हैं मैंने कितना सारा इसमें डाला है, क्योंकि बट को गलने में टाइम लगता है, ये कम से कम 3 से 4 घंटे में बहुत बेहतरीन गलेगी और बहुत अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इसको उबाल देने के बाद इसकी आंच हल्की करके इसको ढक के रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। जब इसका पानी खुश्क होगा उसके बाद मैं फिर इसको भूनूंगी दही डाल के। अच्छा, मैंने इसमें जो सरसों का तेल डाला है वो मैंने कच्चा यूज़ किया है, इसके अंदर कच्चा सरसों का तेल डलता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखिए पक रहा है अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट वो डाल देती हूँ। ये हमारा साइड में रखा रह गया था तो मैंने सोचा अब आप लोगों को डाल के दिखाऊं। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। देखिए नाज़रीन, बट का पानी कितना सा रह गया खुश्क होके। अब मैं इसके अंदर दही डाल के और भूनती हूँ। इसके अंदर दही डाल दिया है मैंने, अब मैं इसको भूनूंगी।
ये देखिए नाज़रीन, इसका पानी खुश्क हो रहा है धीरे धीरे, दही भी इसमें डल चुका है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, बट बहुत अच्छे तरीके से भून रही है, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका। अब मैं इसको और भूनूंगी ज़रा सा। ये देखिए बट तकरीबन भुन चुकी है, जितना भुनेगी उतना ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल के इसको इसके साथ भूनूंगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने डिश आउट कर लिया है इसको और ये कितनी अच्छी भुनी हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।